हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। दोस्तों, एक स्टूडेंट ने मुझसे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछा था कि सर, अगर आप आज से तैयारी करना शुरू करते हो, एज ए स्टूडेंट अगर आप तैयारी करते हो तो आप कैसे करोगे? मतलब मैं अगर आपकी जगह हूँ और मुझे प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए तो मैं कैसे करूँगा? तो इसी के ऊपर दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश करूँगा आपके सारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाएँ। ये दोस्तों वीडियो में बना रहा हूँ, ये बिगनर्स के लिए भी बना रहा हूँ। जो बिगनर्स हैं, जो एग्ज़ाम के बारे में बहुत कम जानते हैं या कुछ भी नहीं जानते हैं, उनके लिए भी वीडियो काफ़ी काम का है। और वो बच्चे जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत अपने आप में इम्प्रूव कर चुके हैं और उनका स्कोर जो है वो टीयर वन में 80 से 120 के बीच में आ रहा है, तो वो बच्चे के लिए भी बड़ा काम का वीडियो होने वाला है। ओवरऑल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, और जो मैं आपको बताने वाला हूँ अगर उसको फॉलो करें तो ये जो 80 से 120 आपका स्कोर आ रहा है, यहाँ से उठ के आप 175 से 180 तक पहुँच सकते हो। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 175 से 180 स्कोर लाना टीयर वन में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर टीयर वन में स्कोर नहीं किया तो ये पूरा पूरा लोड जो है ना ट्रांसफ़र हो जाएगा टीयर टू पे। यानी कि आपने टीयर वन में स्कोर नहीं किया तो टीयर टू में आपको बहुत दिक्कत आएगी, वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर में पढ़ाई करोगे और ज़्यादा प्रेशर में पढ़ना मतलब कई सारी चीज़ें बिगड़ जाती है। क्योंकि मुझे पता है डेफिनेटली एज अ स्टूडेंट जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो ज़्यादा आप फेस कर रहे हो तो आपके मन में भावना बार बार आएगी, कई बार आप डिस्ट्रैक्ट होगे, कई बार आप हताश और निराश हो जाओगे और आपको ये लगेगा कि यार क्या करें। और अपन ऐसा करते हैं कि कोई बात नहीं, टीयर वन को क्लियर कर लेते हैं और उसको जो भी होगा वो कवर कर लेंगे टीयर टू में। ये भावना आपके अंदर आएगी डेफिनेटली पढ़ाई करते करते, और बहुत ही नेचुरल सी बात है, बिकॉज हम जब फ्रस्ट्रेट होते हैं, इरीटेट होते हैं ना, तो थोड़ा सा हम टिल्ट होने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों यही इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिए। टीयर वन को हल्के में नहीं लेना है किसी भी कीमत पे, हमको इसमें बहुत अच्छा स्कोर करना है। जितना ज़्यादा हम अच्छा स्कोर करेंगे ना, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हमारे टीयर टू में हमको हेल्प मिलेगी, और ना सिर्फ वहाँ हेल्प मिलेगी, हमारा जो प्रेशर होगा वो भी कम होगा पढ़ाई के समय। और जितनी फ्री होकर आप पढ़ाई कर सकते हो एग्ज़ाम की, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है आपकी स्कोर करने की, उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आता होता है आपका एग्ज़ाम के अंदर। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कोचिंग के बारे में बताऊंगा कि कोचिंग क्लासेस के बारे में क्या होना चाहिए, आपकी राय क्या होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। कोचिंग अगर ज्वाइन आपको करना भी है तो आपको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे आप एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, कहाँ पर आपको समझदारी दिखाना और कोचिंग क्लासेस की जो माया जाल चल रहा है, जो भी ट्रैप चल रहा है, उससे बचना है, तो वो डाउट भी आप क्लियर कर दूंगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आप अगर कोचिंग करना चाहते भी हो तो किस प्रकार की कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्त बिगनर्स की। अगर आप बिगनर हो तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, अगर आपने शुरुआत कर भी दी तो भी ये आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम का पैटर्न, यानी कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। डेफिनेटली हमें ये पता है कि 3 टीयर में एग्ज़ाम होती है, टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री। टीयर वन में 4 सब्जेक्ट आएंगे 50-50 नंबर के, टीयर टू में 2 सब्जेक्ट आएंगे इंग्लिश और क्वांट। ठीक है, मैं आपको क्यों याद दिला रहा हूँ पैटर्न, अगर आपको पता भी है तो आपको याद रखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, कौन से का कम है, ताकि पढ़ाई में आप अपनी फोकस कर सको और उसी अकॉर्डिंग अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर सको अपने सब्जेक्ट्स में। क्योंकि पैटर्न ऐसा है कि यहाँ पर इंग्लिश का और क्वांट का वेटेज सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है एग्ज़ाम के द्वारा, मतलब एग्जामिनेशन द्वारा, तो हमें भी वही करना है। हमें भी हमारी प्रिपरेशन के दौरान थ्रू आउट द प्रोसेस, शुरुआत से लेकर के आखिरी तक, हमें इन दोनों पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जब आप शुरुआत पढ़ते हो एक दिन भर में तो एक दिन आपका बहुत बड़ा होता है और आप काफ़ी सारे टारगेट सेट करते होगे, तो जब भी आप टारगेट सेट करोगे ना तो इस प्रायोरिटी को ध्यान में रखिएगा कि अपने क्वांट और इंग्लिश को अच्छा खासा समय दीजिए, रीडिंग स्किल्स अपनी इंप्रूव कीजिए, क्वांट के क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो बचा हुआ समय है उसमें 4 से 4.5 घंटे आप रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस दोनों को दे सकते हो, तो ये चीज़ का आपको बहुत स्पेशली ध्यान रखना है। ज़्यादा समय देना नहीं है रीजनिंग और जीए को, बिकॉज इनका वेटेज इतना नहीं है, बट ऐसा भी नहीं कि इनको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो एक बैलेंस अप्रोच आपको अपनानी है, इसलिए आपको बताया गया है कि पैटर्न क्या है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर हम वेटेज देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस का जो वेटेज है, आउट ऑफ 700 टोटल मार्क्स, 50 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस आएगा, आउट ऑफ 700 रीजनिंग आपका 50 मार्क्स का आएगा, आउट ऑफ 700 250 मार्क्स आपका क्वांट आ रहा है, और आउट ऑफ 700 250 मार्क्स का आपका इंग्लिश आता है। अगर आप हिंदी में ऐसे राइटिंग करते हो और अगर आप इंग्लिश में ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग करते हो तो आपका 350 मार्क्स का इंग्लिश है। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंग्लिश का और ज़्यादा वेटेज हो जाता है, 350 नंबर का इंग्लिश आएगा आउट ऑफ 700। तो ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करो, अपने डेली बेसिस पे जो टाइम आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो मार्क्स के अकॉर्डिंग ही करो। और एक बार मैंने अगर पैटर्न समझ लिया एग्ज़ाम का तो उसके बाद मेरा अगला स्टेप क्या होगा, सिलेबस को उठाना। सिलेबस क्या है, एसएससी अपने हर नोटिफिकेशन में सिलेबस प्रोवाइड करता है,
वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं और उन क्वेश्चंस का उन टॉपिक्स का क्या लेवल होने वाला है। तो सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास अगर सिलेबस नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, सिलेबस को जाकर देखो अच्छी तरह से। सिलेबस को आपको पता होना चाहिए, और मैं तो कहूँगा एज ए स्टूडेंट आप काफ़ी आपके पास समय होता है पढ़ने का, दिन भर आपको समय होता है पढ़ाई करने का, तो एक काम करो एक कॉपी बनाओ। जैसे हर एक सब्जेक्ट की कॉपी आप बना ही रहे होगे डेफिनेटली, तो कॉपी के फ्रंट पेज पे या लास्ट पेज पे पूरा सिलेबस लिखा करो। एक एक टॉपिक का नाम आपको लिखना चाहिए कॉपी के लास्ट पेज पे। वो क्यों लिखना चाहिए ना, उसका एक और एडवांटेज है, उसका एक और कारण है। एक तो आपको क्लैरिटी बन जाएगी, आपने पैटर्न समझ करके आपने जब पूरा सिलेबस लिख लिया तो आपके पास में क्लैरिटी बन गई कि भाई ये क्वेश्चंस इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन दूसरा उसका बेनिफिट आपको क्या होने वाला है वहाँ पर है ना, आप उन टॉपिक्स को रेटिंग दे सकते हो। जैसे कि आपने टॉपिक्स के नाम लिखे, मान लीजिए आपने क्वांट के टॉपिक्स के नाम लिखे, टाइम एंड वर्क हो गया, या प्रॉफिट एंड लॉस, या परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या होगा ना कई सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपके अच्छे होंगे, आपके फेवरेट होंगे, या उन पर आपकी कमांड अच्छी होगी, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपके वीक होंगे, जिनसे आपको फियर फैक्टर होता है कई टॉपिक्स से, या क्वेश्चन समझ में नहीं आते, तो वो बाद में ना इन टॉपिक्स के आगे आप रेटिंग कर सकते हो। आउट ऑफ 5 मार्क्स आप दे सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रांग है तो उसको 5 out of 5 आप दे दीजिए। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। कुछ टॉपिक आपके ऐसे होंगे जिनके आप में कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत तो क्लियर है लेकिन थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की ज़रूरत है और थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो उसको आप 5 out of 4, 5 out of 3 दीजिए। कुछ टॉपिक आपके ऐसे होंगे जिनमें आप बिल्कुल ज़ीरो हो, आपको कुछ नहीं आता है, तो उसको 5 out of 1 दीजिए। इस प्रकार की रेटिंग अगर आप देंगे ना, तो रेटिंग आपके लिए काम की है। जब आप फंसते हो ना, जब आपको समझ में नहीं आता कि किस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, जिसको कम दें, तो वहाँ पर आपकी क्लैरिटी बनी हुई रहती है। दोस्तों ये छोटे छोटे काम जो होते हैं ना बहुत ज़रूरी होते हैं। छोटे छोटे काम अगर आप करते रहोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी फ्यूचर में, मतलब कि प्रिपरेशन शुरू करने के 1 महीने 2 महीने बाद में ज़्यादा काम आने वाली सब चीज़ें। तो कोशिश कीजिए सारे टॉपिक्स का, सारे सब्जेक्ट के सिलेबस आपके पास होना चाहिए, और सिलेबस अपने अपनी हैंडराइटिंग में लिखिए अपनी कॉपी में, ठीक है। तो 2 स्टेप हमारी हो गई है, एक हमने पैटर्न समझ लिया, दूसरा हमने सिलेबस पता कर लिया। अब हमारा तीसरा काम क्या होना चाहिए? तीसरा काम हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, हमें ये पता लगाना है कि एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आते कैसे हैं, मतलब एग्ज़ाम में पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, वो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। देखिए आपने ये पता लगाया फॉर एग्ज़ाम्पल कि इंग्लिश में क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, तो भैया इंग्लिश के क्वेश्चन तो बैंक में भी आते हैं। बैंकिंग के एग्ज़ाम में भी 2 तरह की होती है, एक SBI का होता है, एक IBPS होता है, इसमें भी इंग्लिश में लेवल में अंतर आता है। इंग्लिश के क्वेश्चन तो कैट के एग्ज़ाम में भी आते हैं, CDS में भी आते हैं, UPSC CSAT में भी आते हैं, तो इंग्लिश तो कई प्रकार से कई अलग अलग एग्ज़ाम से पूछी जाती है। अगर डिफरेंस कहीं है तो लेवल का होता है, कुछ स्पेसिफिक नेचर के क्वेश्चंस अलग अलग एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको नेचर समझना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाना है और उनको सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ के एग्ज़ाम के नेचर को समझना। अगर आप ये नहीं करोगे ना तो ये पूरी पॉसिबिलिटी कि आपने डायरेक्शन आप खो दोगे एग्ज़ाम की तैयारी की। और अगर आपने डायरेक्शन खो दी तो समय हमेशा लिमिटेड होता है देखो एग्ज़ाम में, और बाकी लोग तो स्ट्रीमलाइन होकर पढ़ ही रहे हैं, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली कॉम्पिटिशन से बाहर होने वाले हो। इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ो। मैंने एक वीडियो भी बनाया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लेकर के, कई सारे मिसगाइड करने का काम चल रहा है। कई लोग आपको यूट्यूब पे बोलेंगे कि भैया पैटर्न चेंज हो चुका है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की वैल्यू अब खत्म हो गई है, बट ऐसा कुछ नहीं है, झूठ है, ये फ्रॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमेशा रेफरेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इवन जो टीचर आपको पढ़ा रहा है ना, वो खुद भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ के ही एग्ज़ाम के पैटर्न को समझेगा, क्योंकि इससे अच्छा तरीका क्या है, कोई ला के बता दे या तो, कि इससे बेटर तरीका क्या है किसी भी एग्ज़ाम के नेचर को समझने का। एग्ज़ाम के नेचर को तो आपको समझना ही है किसी भी हालत में, और उसको समझने का बेस्ट तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और इसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं। और अगर आपने एग्ज़ाम का नेचर ही नहीं समझा तो एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं कर सकते। इवन कई टीचर ऐसे होते हैं जिनने वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं की होती या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़े होते हैं, तो मेरे पास कई स्टूडेंट आके मुझे बताते हैं, कई बोलते हैं कि हमने कोचिंग ज्वाइन करी और वहाँ पर वो मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है या कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, वहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ा रहा है वो बैंकिंग के, आप तैयारी कर रहे हो SSC की, आपने फीस दी है SSC की, तो प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम आपकी नहीं, प्रॉब्लम उस टीचर की है, उसी को नहीं पता है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी तैयारी कैसे करवाएगा, ठीक है। तो हालांकि डिपेंड होने की ज़रूरत है ही नहीं किसी के ऊपर भी, आप डिपेंडेंट ना हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो और खुद ही पता करो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने ये कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ना है।
इस चीज़ को दोस्तों आप बहुत ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा। आप मैंने कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है ना कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कई बार आप मुझे गलत सुन लेते हो, पता नहीं यार शायद मैं समझा नहीं पाता हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप उठाओ और सॉल्व करना चालू कर दो, बिकॉज इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आप नए नए एग्जाम को समझ रहे हो, आप बिगनर हो, तो कैसे आप सॉल्व कर लोगे? ऑब्वियस सी बात है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रेफर करने का इसीलिए कहता हूँ, आप सिर्फ पढ़ो उन क्वेश्चंस को और पढ़ के समझने की कोशिश करो कि क्या आप समझ पाए हो इन क्वेश्चंस को। देखिए सॉल्व करना तो एक अलग स्टेप है ना। सॉल्व हम तब कर पाएंगे जब हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे उस टॉपिक के। मान लीजिए टाइम एंड वर्क की बात है या ज्योमेट्री की बात करें, किसी में भी हम बात करें, तो जब तक उस सब्जेक्ट के बेसिक्स हम क्लियर ना करें, ज्योमेट्री के कई सारी थ्योरम्स हैं उनको ना पढ़ लें, कई सारे फॉर्मूले हमें पता ना हो, तब तक हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो सॉल्व नहीं करना, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ सॉल्व नहीं करना। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखते हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को रीड करो, और एटलीस्ट आप रीड कर सकते हो। ये 10th लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, रीडिंग आपकी पॉसिबल है। आप 10th 12th पास कर चुके हो, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर निकाल चुके हो, तो आप एटलीस्ट रीड तो कर ही सकते हो। जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस पढ़ोगे ना, उतने ही ज़्यादा आपका जो माइंड है उस पैटर्न को, उस नेचर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और जब आप क्वेश्चंस रीड कर रहे होगे ना, तो आपको जो सिलेबस आपने देखा था, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सिलेबस आपने देखा और अपनी कॉपी में आपने सिलेबस लिखा हुआ है, तो क्वेश्चंस आपको पकड़ में आएगा कि इस टॉपिक में से ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, इस टॉपिक में से ये वाला क्वेश्चन आ रहा है। देखो कई सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको ईजी लगेंगे पढ़ के, आपको लगेगा यार ये तो मैं कर सकता हूँ, इसका मुझे बेस पता है। किसी का ज्योमेट्री वाला पोर्शन अच्छा होता है, किसी का मेंसुरेशन अच्छा होता है, किसी का अर्थमेटिक वाला पोर्शन अच्छा होता है, तो वहाँ पर आपको ये क्लैरिटी बनती चली जाएगी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कि ये वाला टॉपिक मेरा अच्छा चल रहा है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे ना, तो साथ में अपने सिलेबस को भी रखो। और जो रेटिंग्स मैंने आपको बताई थी आउट ऑफ 5, आपको 1, 2, 3, 4, 5 कितने देना है, वहाँ पर आप रेटिंग डालते चले जाओ, ताकि आपको ये क्लैरिटी बने कि आपको सबसे ज़्यादा मेहनत कौन से टॉपिक पर करनी है और सबसे कम मेहनत आपको कौन से टॉपिक पर करनी है, ठीक है। तो इसलिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना दोनों इंटरलिंक्ड, आप इनको अलग अलग नहीं देख सकते। जहाँ आपने सिलेबस लिखा हुआ है वहाँ पर आप ज़रूर रेटिंग डालिए अपनी, और आप अपने आप को देखिए आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं हर एक टॉपिक के ऊपर, मतलब हर एक टॉपिक पर आपको काम करना है। और क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ने में समय नहीं लगता है, सॉल्व करने में समय लगता है, पढ़ने में टाइम नहीं लग रहा, बट ध्यान से पढ़ो और बहुत कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ के पैटर्न को समझ पाओगे, एग्ज़ाम के नेचर को समझ पाओगे। अब एक बार जब आपने नेचर को समझ लिया एग्ज़ाम के, और उसके साथ में आपने ये भी पता लगा लिया कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आउट ऑफ 5 आप कितने नंबर पे हो, तो फिर हमारे नेक्स्ट स्टेप आती है। चौथी स्टेप हमारी है बेसिक टैक्स। आपको अपने जो कॉन्सेप्ट हैं, जो आपकी वीकनेस है, उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, उनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ तक अगर आप पहुँच जाते हो, तो आपको ये तो पता चल ही गया ना कि आपका कौन सा टॉपिक सबसे वीक है, किसमें आपको थोड़ी मेहनत करना है, किसमें ज़्यादा मेहनत करना है। तो अब आपको उठाना है बेसिक टैक्स। देखिए यहाँ पर आपका ये मन हो सकता है कि आप बहुत कमज़ोर हैं, तो आप ऐसा कर लें कोचिंग ज्वाइन कर लें, ये ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, बहुत अच्छी तरह बताऊँगा और समझाऊँगा कि आपको कोचिंग करना भी है तो कैसे करना है। हालांकि मैं तो कभी प्रेफर करता नहीं हूँ, अब कोशिश ये करिए कि सेल्फ स्टडी से करिए। सेल्फ स्टडी की जो तैयारी होती है ना, वो ज़्यादा रिटेन करती है, ज़्यादा सस्टेनेबल होती है, बहुत लंबे समय तक चलती है और आपको हमेशा वो काम आएगी। बट कोचिंग क्लासेस के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको इसके बारे में बात करते हैं कि आपको थर्ड फोर्थ स्टेप में क्या करना है, अपने बेसिक टेक्स्ट को उठाना है। बेसिक टेक्स्ट मतलब क्या, वो सारी बुक्स जो कि आपको इंपॉर्टेंट है उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को मजबूत करने के लिए। तो देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था ऑल बुक्स फॉर SSC, है ना, जितनी भी किताबें हो सकती है, कौन कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी किताब आपको पढ़ना चाहिए, वो सारी बुक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया था सारी किताबों के PDF का। तो वही मैं लिंक इस वीडियो के मैं भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और आप चाहो तो उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हो। अदरवाइज आपको सिर्फ अगर PDF चाहिए सारी किताबों के, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ जाकर डाउनलोड कर लो, और रेफरेंस के लिए आप देख सकते हो किस किताब में कैसी है, ताकि जब आपको परचेज करना हो तो एक आइडिया मिल जाए कि आपको बुक खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सारी किताबें, जितनी भी किताबें इंपॉर्टेंट है और आपके लिए ज़रूरी है पढ़ना SSC के एग्जाम्स के लिए, उन सभी किताबों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर डाउनलोड कर लो और एक बार देख लो। अब जब इन किताबों को बेसिक टेक्स्ट को आप उठाओगे ना, तब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ वही टॉपिक पढ़ना है, वही उतना ही पढ़ना जितनी आपको ज़रूरत है।
अगर आपको लगता है कि ज्योमेट्री के फॉर्मूलेज आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, नहीं याद हैं, या ज्योमेट्री के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको नहीं है, तो स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस लगाओ और उतने ही लगाओ जितने आपको आवश्यक है। मतलब आपको लगता है कि अगर आपका एक लेवल अचीव हो रहा है और आप उस लेवल पर आ रहे हो जिसमें आप अपने आपको 5 out of 5 दे सकते हो, तो वहाँ पर आके आपको उसको रोक देना है। होता क्या है ना, कई बार हम मज़ा लेना शुरू कर देते हैं, हमें बहुत मज़ा आने लगता है कि इसको करना उसको करना। कई लोगों को रीजनिंग सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है, तो ये मज़े लेने वाला एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पर अपना आप करियर बना रहे हो तो आपको स्मार्टली काम करना है। रीजनिंग का जो वेटेज है वो 50 मार्क्स का है, तो 50 मार्क्स जितना ही आपको बैलेंस अप्रोच बना करके उस पर वेटेज देना है पढ़ाई में, टाइम में। ये नहीं है कि उसमें मजा ले रहे हैं तो पढ़े चले जा रहे हैं रीजनिंग और दूसरा कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं। और आपको बेसिक पे जाना है और बेसिक से पढ़ना है तो आप एनसीईआरटीज भी उठा सकते हो। मैं आपको तो अगर सब्जेक्ट वाइज बात करूँ, जनरल अवेयरनेस, क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग, तो देखिए मैंने जनरल अवेयरनेस के ऊपर वीडियो बनाया था, आप चाहो तो उस वीडियो को देख लो। मैंने डिटेल में बताया कि आप कैसे उसे पढ़ाई कर सकते हो। उसमें से करंट अफेयर्स वाला पार्ट बचा हुआ है, तो कोशिश करूँगा आज शाम तक या कल तक कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उसमें करंट अफेयर्स पर वीडियो बना दूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे कर सकते हो आप न्यूज़पेपर्स से। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज़ को रेफ़र करने की, बिकॉज करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जिसको डेली बेसिस पर अगर तैयार किया जाए तो ज़्यादा रिलेवेंट होता है, ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। अगर आप उसको एंड मोमेंट पढ़ने बैठोगे और पिछले 1 साल का या 8 महीने का करंट उठाओगे, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर आप करोगे, अपना नुकसान कर बैठोगे। ठीक है, तो डेली बेसिस पे आप पढ़ाई करोगे, करंट अफेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट सही तरीका होता है। तो मैं जनरल अवेयरनेस का मैं बता चुका हूँ, बाकी रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश का भी जल्दी से बता दूंगा कि टॉप सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे पढ़ाई करना है खुद से। मैथ्स का वो बच्चे जिनका मैथ्स बहुत वीक है या बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने एनसीईआरटी के पीडीएफ दे रखे हैं, 8, 9, 10th की एनसीईआरटी है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, तो आप जाके डाउनलोड कर लो। सबसे अच्छा तरीका वही होता है, अगर आप मैथ्स आपका वीक है ना, तो आप एनसीईआरटी उठा सकते हो और एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करो। आप क्योंकि खुद ही 12th क्लास पास कर चुके हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या ग्रेजुएशन कर चुके हो, तो आपको 8, 9, 10th की एनसीईआरटी पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, जिनका मैथ्स बहुत वीक है वो तो भाई एनसीईआरटी उठाइए, सबसे अच्छा तरीका वही है। बाकी इन सभी चारों टॉपिक्स के ऊपर इंडिविजुअल मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको पर्टिकुलर उस टॉपिक पे हेल्प हो जाए कि इस सब्जेक्ट को कैसे तैयार कर सकते हैं। इन बाकी मैं रीजनिंग पे प्रायोरिटी बेसिस वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज रीजनिंग काफ़ी स्कोरिंग है। मेरे अकॉर्डिंग रीजनिंग में आपके फुल मार्क्स आना चाहिए 50 out of 50। तो रीजनिंग में आप कैसे 50 में से 50 ला सकते हो, उसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। बाकी एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है ना, पढ़ना आपको खुद ही को, आपको कोई कितनी भी स्ट्रैटेजी बता दे, आप कितना भी आप किसी को रेफर कर लो, बट अपने लेवल पर आपको चीज़ों को समझना है, अपने लेवल पर आपको मेहनत करनी है, अपने लेवल पर ही आपको चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ज़्यादा वो चीज़ आपको मेमोराइज होती है, आपका माइंड उसको एब्जॉर्ब करने लग जाता है। तो ज़्यादा बेटर है कि अपने आप पर काम करना शुरू करो, और जो स्टेप्स मैंने आपको बताए उन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करो। आप ऑर्डर में ही चलो, समझदारी इसी में है कि सबसे पहले आप पैटर्न समझो, फिर आप सिलेबस उठाओ, सिलेबस को अपनी कॉपी के अंदर लिखो, और कॉपी में लिखने के बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस पढ़ो, पढ़ के समझो, और ये देखो कि आपको कौन सा टॉपिक कितना है, मतलब कि इसमें कितनी स्ट्रेंथ है, किसमें कितनी वीकनेस है, और उसके बाद फिर बेसिक टेक्स्ट पे आ जाओ, ताकि आप वो जो वीक टॉपिक्स हैं उनको आप स्ट्रांग बना सको और सारे टॉपिक्स आपके बैलेंस हो जाएँ। और अब बात कर लेते हैं, अगर आपको मन बहुत कर रहा है ना उसके बाद भी कोचिंग क्लास कर लें, तो मैं आपसे देखो ये कहूँगा कि अगर ऑफलाइन कोचिंग आप करते हो, जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पर अगर कोचिंग अवेलेबल है आपके आसपास, तो सबसे पहले आप है ना पता करो, उनसे डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस के लिए बोलो, आप उनको कहो कि हमें डेमो क्लास लेके देखना है। बिकॉज होता क्या है ना दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जिनको मतलब सिर्फ दिखता है कि अरे यार बहुत अच्छा मार्केट है कोचिंग का, तो चलो कोचिंग डाल लेते हैं। अब किसी मार्केट में मान लो जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ बहुत सारी कोचिंग लाइन से खुली हुई है, तो एक दुकान और खोल ली किसी ने, आपको क्या पता चल रहा है कि उस कोचिंग में पढ़ाने वाले की कितनी वैल्यू है, उसको कितना आता है, उसने खुद ने कभी एग्ज़ाम दी है और क्लियर की भी है या नहीं की है। तो जब तक आप परखोगे नहीं किसी इंस्टीट्यूट को, आप जाके ज्वाइन कर लेना सिर्फ किसी के कहने पर, ये समझदारी नहीं है। खुद ही जाओ, खुद ही डेमो क्लास लो, जिसको कॉन्फिडेंस होगा ना अपने कोर्सेज पे, अपने पढ़ाने पे, वो बोलेगा आपको कि डेमो क्लास ले लो, अदरवाइज जिसको नहीं होगा वो कभी नहीं बोलेगा। और डेमो क्लास लेते हुए आप ये चीज़ का भी ध्यान रखना, ये भी देखना कि वो मतलब डिफरेंशिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि कई बार क्या होता है ना, किसी कोचिंग में बच्चे कम होते हैं, तो उसी क्लास में बैंकिंग वाले बच्चे भी बैठे हैं, उसी में एसएससी वाले भी बैठे हैं, उसमें भी दूसरे एग्जाम के बैठ गए, तो सारी एग्जाम की तैयारी एक साथ तो नहीं हो सकती ना, हर एक एग्जाम का अपना एक नेचर होता है, तो बैचेस भी अलग अलग होना चाहिए। कई बार ये लोग क्या करते हैं कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम को साथ में बैठाते हैं, तो ये भी गलत बात है, क्योंकि जब आप मैथ्स को हिंदी में पढ़ा रहे होते हो या किसी सब्जेक्ट को, आप स्पेशली आप जीए के जो टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इनको तो आप हिंदी में अगर बोलोगे तो इंग्लिश वाला क्या समझेगा, और इंग्लिश में बोलोगे तो हिंदी वाले को समझ में नहीं आएगी। तो कोचिंग अगर ये सब ध्यान रखती है तो ही आप कोचिंग ज्वाइन करो, अदरवाइज मतलब नहीं है।
और एक और स्पेशल चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि कोचिंग जब ज्वाइन करोगे ना तो पूरे चारों सब्जेक्ट के लिए ज्वाइन मत कर लो। आपको लगता है कि आपका मैथ्स वीक है तो मैथ्स के लिए करो, अगर आपको इंग्लिश लगता है तो इंग्लिश के लिए करो, क्योंकि रीजनिंग एक सब्जेक्ट ऐसा है ना, रीजनिंग के लिए कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती है, स्पेशली एस एस सी का रीजनिंग इतना लेवल का आता ही नहीं है कि आप उसके लिए कोचिंग करो। मैं उसके लिए हालांकि वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्दी बनाऊंगा, और आपको बता दूंगा कि कैसे आप पूरा फुल मार्क्स स्कोर करोगे रीजनिंग के अंदर। और सिर्फ आपकी डेली के 2 से सवा 2 घंटे 2.5 घंटे देने पर आप आराम से 50 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो देखिए, रीजनिंग के लिए कोचिंग करने का मतलब नहीं है, और ओवरऑल सारे सब्जेक्ट के लिए भी ज़रूरत नहीं है। मैंने जीए के लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है, जनरल अवेयरनेस आप कैसे खुद से ही कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो जिसमें आपको लगता है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप कोचिंग करो, ज़्यादा बेटर होगा। हालांकि फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कोचिंग करो, क्योंकि मैं सदा एम्फोसाइज करता हूँ कि सेल्फ स्टडी करो, बट फिर भी आपको बहुत ज़्यादा भूत सवार हो गया नहीं करना ही है तो मैं कह रहा हूँ, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अदरवाइज सबसे बढ़िया तरीका होता है खुद से तैयारी करना। खुद से आप तैयारी करते हो ना तो आप ज़्यादा इनोवेटिव बन जाते हो, आप ज़्यादा क्रिएटिव बनते हो, आप खुद ही धीरे धीरे अपने अंदर की पोटेंशियल को बाहर निकालने की कोशिश करोगे। आप जानोगे कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, आपकी कमजोरियाँ क्या है। और दोस्तों, अंत में ना सफल वही इंसान होता है जिसके पास उसकी खुद की जानकारी सबसे ज़्यादा है, जो अपने आप को सबसे अच्छा समझता है, जो ये जानता है कि वो कहाँ कमज़ोर पड़ रहा है और कहाँ उसकी ताकत है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, अपने आप पे निर्भर रहो और अपने आप से चीज़ें करने की कोशिश करो। ये जो तरीके हैं ना, थोड़ा समय लेते हैं, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ये आपको बहुत लॉन्ग टर्म में ना बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। बजाय उसके कि आप किसी पर डिपेंडेंट हो जाओ, आप कोचिंग कर लो और वो आपको बता रहे कि आप ये पढ़ो ये ना पढ़ो, तो आप बहुत सुनहरा मौका जो होता है ना अपने आप को परखने का, अपने पोटेंशियल बाहर निकालने का, वो खो चुके होते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सेल्फ स्टडी करो, समय लग रहा तो लगने दो, मेहनत हो रही तो होने दो, लेकिन कोशिश करो अपने आप पे काम करने की। अब बात करते हैं ऑनलाइन कोचिंग की, है ना। तो ऑनलाइन कोर्सेज के तो भैया मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तो खेल बहुत अलग हो चुका है। अगर आपको लगता है कि आपको करना है, तो सबसे पहले जो भी कोर्सेज बेच रहा है उसका ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम क्या है, मतलब कि वो जो कोर्स बेच रहा है वो कोर्स के बारे में अगर मान लो आप संतुष्ट नहीं हुए तो उसका रिड्रेसल सिस्टम क्या है, मतलब आपको शिकायत करनी है या आपको पैसे वापस चाहिए, तो उसके लिए क्या उसका मेथड वो यूज़ कर रहा है। बिकॉज जैसे ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, आप किसी की दुकान है वहाँ जाके बात कर सकते हो, 50 बार जाके शिकायत कर सकते हो, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, बस आपको लुभावनी बातें कर दी यूट्यूब पे, आपको मिसगाइड करके कुछ भी कोर्स बेच दिया और आपने पेमेंट कर दिया। उसके बाद आप रहते हो उत्तर प्रदेश से किसी गांव में और कोचिंग चल रही बेंगलोर में, क्योंकि ये सब बेसिकली कंपनीज है ना, ये स्टार्टअप्स हैं, ये कंपनीज है, ये कोई कोचिंग ये इंस्टीट्यूट नहीं है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि इसका जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है वो है या नहीं है, अगर नहीं है तो मत करो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ ऑनलाइन कोर्सेज की जो शिकायत मुझे बच्चों ने पर्सनली करी है कि वो कोई कोर्स व्यक्ति बेचता है तो 2000 रुपये का बेच रहा है, 2 महीने बाद वो फीस घटा के उसकी 1500 कर दी, फिर 2 महीने घटा के उसको 1000 कर दिया, और उसके बाद क्या करा, 6 महीने के बाद जो कुछ उसने पेड वर्जन में दिया था वही सारे कोर्सेज उसने फ्री में डाल दिया यूट्यूब पे। तो देखो, जो बच्चा 2000 रुपये में आपसे कोर्स खरीद चुका है वो तो ठगा गया, वो तो चीटी हो गई ना उसके साथ, चीटिंग हो गई ना उसके साथ में। तो सबसे पहले तो आप ये चेक ज़रूर करो कि अगर है, अगर आपको लगता है कि आपको फ़ीस रिफ़ंड करनी है तो बिल्कुल आप उसको चेक करके लीजिए, क्योंकि इवन आप देखिए, आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो ये तक आपके 50 से लेकर के 5000 रुपये तक के आप रिफ़ंड कर सकते हैं, इतनी पॉलिसी ये कंपनी दे रही, तो ये ऑनलाइन कोर्सेज क्यों नहीं दे सकते। तो भैया, रिफ़ंड पॉलिसी अगर इन लोगों की है, आपको रिफ़ंड करने का कोई इन्होंने सिस्टम बना रखा है वो, और दूसरा आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है कि नहीं है, कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में आपके कोर्सेज में, तो उसको सुनने वाला भी है या नहीं है। क्योंकि होता क्या है ना, हज़ारों की तादाद में कोर्सेज बिक रहे हैं, इनको कोई मतलब भी नहीं है कौन खरीद रहा है, इनको नाम भी नहीं पता, इनको यही नहीं पता कि कितने लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा भाई, ऑनलाइन कोर्सेज खरीदने से बचो ही। और आपको अगर देखो पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम अगर आती है, तो आप कितने अच्छे युग में जी रहे हो जहाँ पर यूट्यूब पे आप सिर्फ टाइप कर दो, आपको मान लो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, टाइम एंड वर्क लिख दो बस यूट्यूब पे, आपको ढेरों वीडियोज़ मिल जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत लगेगी ढूंढने में, लेकिन आपको ढेरों स्टडी मटेरियल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने में, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी वहाँ हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्टडी मटेरियल मिल नहीं रहा है, उसी के आप पैसे देने से मतलब क्या, जब वही चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन कोर्सेज का भी मैंने क्लियर कर दिया आपको, अभी तक का जो मैंने बताया है वो सारी चीज़ें आपके लिए रेलेवेंट है, और आप इसको कोशिश करो इस तरीके से ही पढ़ाई करने के लिए। ज़्यादा
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो खत्म करने से पहले दोस्तों, कि अपना सेल्फ इवेल्यूएशन भी किया करो। मतलब कि जो कुछ भी आप पढ़ोगे ना दिन भर में, जो कुछ भी आप करते हो, तो रात में एक अपना इवेल्यूएशन किया करो खुद से, कि आप कहाँ तक पहुँचे हो, आप क्या कर रहे हो। बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सेल्फ इवेल्यूएशन डेली बेसिस पर नहीं कर रहे हो ना, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि आपकी पोजीशन कहाँ पर है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी आप डायरेक्शन लेस हो जाओगे, और वो ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि आप गलत रास्ते पर आगे बढ़ गए, तो उल्टा वापस चल के आना और वापस से नए तरीके से शुरू करना, ये बहुत महंगा पड़ता है। तो अपना इवेल्यूशन भी किया करो और देखते रहा करो अपने आप को, कि आप कहाँ तक पहुँचे हो, कौन सा टॉपिक आपका और बचा हुआ है, कौन सा टॉपिक हो चुका है। हालांकि जो मैंने आपको तरीका बताया है ना, सिलेबस के सामने आप रेटिंग डालो अपने 1, 2, 3, 4, 5 कितने कहाँ पहुँचे हो, तो उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उससे आपकी क्लैरिटी बन जाएगी कि आप खुद कहाँ पर पहुँचे हो और आप किस पोजिशन आप पे उस पर्टिकुलर टॉपिक में आप हो। और लास्ट में आप लोग कई बार पूछते हो कि मॉक टेस्ट कौन सा खरीदें, तो दोस्तों मैं आपको चीज़ बता दूं कि मॉक टेस्ट खरीदने का समय अभी नहीं है। मॉक टेस्ट आप क्यों खरीदोगे, क्योंकि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई पर्पज़ नहीं है आपका। फिलहाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को एक्यूरेटली सॉल्व करने की और स्पीड में सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो फिलहाल इसी पे फोकस करो, और एंड मोमेंट पे आप देख सकते हो आखिरी के 1 महीने 1.5 महीने पहले, तब आप मॉक टेस्ट परचेज कीजिएगा। फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो स्टडी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, उसको आप ज़्यादा अच्छे से कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो, और ऐसे और इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा तुरंत आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। और किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, तो आप ज्ञानशिला.com पर जाकर ले सकते हो। वहाँ पर आपको कई सारे जॉब प्रोफाइल्स के और फ्री वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने